हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छे तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और आज फाइनली वो डे आ ही गया है जिसका हम लोग तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बट इसका कुछ आइडिया तो आपको भी था। हम लोग जा रहे हैं हमारा नया कार का डिलीवरी लेने। कल की वीडियो में जब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने हमारा पुराना कार बेच दिया है फॉर अ गुड कॉज, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये गैस कर ही लिया था कि आप नया कार ले रहे हो। एग्जैक्टली, तो हमने हमारा पुराना कार बेच दिया है नया कार लेने के लिए। और मैं आपसे बता रही थी ना कि शर्मा जी अपने चाइल्डहुड वाला ड्रीम फुलफिल करने की तैयारी में हैं, तो बस यही है वो। अच्छा गाइज, देखिए, वी ऑल लव डैश ऑफ कलर ऑन आर लिप्स, इजंट इट? बट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक ऐसा लिप कलर ढूंढना जो हमारे स्किन टोन को सूट करे, बिकॉज इंडिया में बहुत तरह के स्किन टोन पाए जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा टफ होता है एक ऐसा लिप कलर ढूंढना जो आपके लिप्स को ड्राई आउट ना करे, और साथ ही वो आपके लिप्स को वो स्ट्रेची फील ना दे, उन्हें डिहाइड्रेटेड ना फील कराए, साथ ही साथ इंटेंस कलर पे ऑफ भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, तो क्या ही कहने। बट टेंशन ना लो, Mamaearth has got you covered. Mamaearth के ये नए moisture matte lipsticks are packed with high intensity matte colors. These lipsticks stay on your lips for up to 12 hours without smudging. और ये है ना 9 shades में आते हैं और ये आपके lips को burst of color plus care दोनों ही provide कराते हैं। These lipsticks comes with the goodness of avocado oil जो lips को moisturize करता है and also provides antioxidant benefits. It also has vitamin E that helps to prevent pigmentation. So these lipsticks are crafted with brightening and मॉइस्चराइजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और ये लिपस्टिक्स आपके लिप्स को अप टू 8 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखेंगे और आप इन्हें डेली बेसिस पे पहन सकते हो, बिकॉज दीज आर मेड सेफ सर्टिफाइड। और चलिए मैं आपको ये लिपस्टिक्स दिखा देती हूँ। एज आई टोल्ड यू, ये आती है 9 डिफरेंट शेड्स में। मैं फटाफट से आपको इन सभी का स्वॉच दिखाती हूँ। ये लिपस्टिक्स एक लाइट वेट एंड नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और कंफर्टेबल टू वेयर है एंड इंटेंस नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। और ये सारे ही कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट डेली बेसिस पे वी यूजुअली लाइक टू अप्लाई ब्राउन, न्यूड्स एंड पिंक्स, तो मैं ये दो शेड्स आपके सामने अभी अप्लाई करती हूँ। आप देखिए कितना इजी है इनको लगाना, कितनी स्मूथली ग्लाइड कर रहे हैं लिपस्टिक, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन एंड हाउ इंटेंस द पिगमेंटेशन इज। मैं फिंगर्स से रब कर रही हूँ और किस टेस्ट भी ले रही हूँ ना, तो यू कैन सी कि ये स्मज नहीं हो रहे हैं, दीज आर स्मज प्रूफ। एकदम नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है और एकदम ही कंफर्टेबल टू वेयर है। अब आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सा शेड अच्छा लगा, आप कौन सा शेड ट्राई करना चाहोगे। और अगर आप कर रहे हैं लिपस्टिक को बाय करना, तो मेरा एक डिस्काउंट कोड है आपके लिए, उसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, ये है नीलम 2022। इसका इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट ऑन Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट एंड देयर ऐप। दीज प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa, बट डिस्काउंट कोड के बिना। और आपकी ईज के लिए सारे ही बाइंग लिंक्स रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना ना भूलें। और Mamaearth के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, Mamaearth एज अ ब्रांड इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। गुडनेस न सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स में, but also about the values that they stand for. Mamaearth has taken this plant goodness initiative, जिसके तहत every time you buy a product from them, they will link your order on the website to a tree. And by 2025, they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. And now Mamaearth also has their official app. इस app के लिए भी iOS and Android links रख दूंगी मैं वीडियो के description box में, आप check कीजिएगा। App users will get early access to sales and hence extra discounts.
और हम लोगों ने जो कार ख़रीदा है वो है होंडा सिटी 5th generation, और ये शर्मा जी का ड्रीम कार सॉर्ट्स था, तो यही हम लोगों को लेना था। कलर मेरी चॉइस का है और ये एकदम ही लास्ट मिनट डिसीजन था। शर्मा जी चाह रहे थे सिल्वर या वाइट कलर का लिया जाए। वाइट अभी जो होंडा सिटी है वो वाइट नहीं देते हैं, देखिए अब पर्ल वाइट फिनिश वाला कलर वाइट जो रहता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था और थोड़ा सा एक अलग ही फील दे रहा था, तो वो भी नहीं लिया। तो ये वाला जो कलर है ये मेरी चॉइस का लिया गया है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग है ना बहुत वक्त से कार के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल से सोच रहे थे, और तब पूरी तरह से दिमाग में यही था कि हम एक 7-seater लेंगे, क्योंकि अभी मम्मी पापा भी यहाँ पर आ चुके हैं ना। बट मोनू भैया ने भी पिछले साल या शायद उससे पिछले साल कार ली थी, वो भी 7-seater है और पापा की कार भी 7-seater ही है, तो फिर इतनी बल्कि सारी ही कार करने का कोई समझदारी नहीं है। वो काइंड ऑफ वैरायटी हो जाएगी। ऑल्सो मुझे तो छोटी कारें ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैन्यूवरेबिलिटी ईजी है उसका और मैं उतनी भी कोई हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, तो मुझे छोटी कारें अच्छी लगती हैं, दोज आर कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू हैंडल। लेकिन शर्मा जी इज़ अ सीडान पर्सन, पापा का कार मोनू भैया का कार दोनों ही SUVs हैं, तो इसलिए भी शर्मा जी चाह रहे थे कि सारी की सारी चीज़ें एक जैसी ना हो जाएं, फिर वो डिफरेंस वाली कोई बात लगेगी ही नहीं। हम लोगों ने शोरूम में भी थोड़ा पूजा किया, वो सारी ही चीज़ें शोरूम पीपल ने अरेंज कराया था। उन्होंने हमको मना भी बोला था, आप कुछ भी मत लेकर आइएगा, सब कुछ हम लोग यहीं से कराएंगे। तो आपने जो कुछ भी देखा एक्सेप्ट मिठाई मैं लेकर गई थी घर से, बाकी सभी लोग होंडा पीपल ने अरेंज कराया बहुत अच्छे से। उन्होंने हमारा कार का इनॉग्रेशन कराया, इसके बाद घर नहीं आते हैं ना डायरेक्टली, ये मंदिर होते हुए आते हैं, तो हम गणपति बप्पा के दर्शन करने गए थे, मंदिर गए थे और गुड लक देखे मेरा पंडित जी वहाँ पर उस दिन अवेलेबल थे। उन्होंने जो मैं लेकर गई थी ना प्रसाद, वो अच्छे से भोग भी चढ़ाया, हम लोगों को बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी दिया, तो गुड वाइब्स आ रही थी हर तरफ से। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे थे कि घर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था, मम्मी पापा के लंच का भी टाइम हो गया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि घर में खुशखबरी भी आई है, तो चलो सारे मिलकर हम इकट्ठे आज फैमिली लंच भी कर लेते हैं, और वो ना एक वो जो ट्रीट वाली बात होती है ना वो भी हो जाएगी। तो रास्ते में ही हम लोग फिर रुक कर लंच करते हुए आए। बस अभी थोड़ी देर पहले मम्मी पापा गए हैं यहाँ से, वो लोग आए थे ना, हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें बातें कर रहे थे सभी, तो सानवी खुशी तो यहाँ हमारे साथ बैठे बैठे ही सो गए, और उनको भी थोड़ी नींद लग रही थी, थोड़ा काम भी था, तो वो लोग चले गए हैं वापस, और शर्मा जी भी अभी उन्हीं के साथ ही हैं। तो ये तो था वो सरप्राइज़ जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। बेसिकली हमने ये शर्मा जी का ही ड्रीम था, उन्हीं का प्लान था, तो यही था वो सरप्राइज़। और बेसिकली शर्मा जी ने हम सभी को सरप्राइज़ कर दिया, उन्होंने कब मैं ये प्लान कर लिया मुझे भी एक्चुअली पता नहीं चला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लिए आज ये सरप्राइज़ था, मुझे पता था 1-1.5 हफ्ते पहले से, बट वहाँ तक बात कब पहुँची वो उन्होंने अकेले अकेले ही कर लिया। बट बाय द वे इट वॉज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। और जब हम लोग वहाँ शोरूम पे थे ना पूजा कर रहे थे, तो मोनू भैया से भी बात की थी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। और वो जो थे ना होंडा गाइज, दे वर वेरी यू नो हम्बल, शुरू से जब से मैं वहाँ जा रही हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, उनसे कितने भी सवाल करो कुछ भी पूछो, एवरी हाउ दे आर रेडी टू हेल्प। ऑल्सो मतलब उनको किसी भी टाइम कॉल भी करो ना तो दे आर ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प। और आज भी आपने देखा बहुत अच्छे से उन्होंने कराया, लाइक वी फेल्ट वेरी हैप्पी। ऑल्सो उन्होंने हमें कुछ एक गिफ्ट्स भी दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें गिफ्ट पैक थी, बट वी वर सो एक्साइटेड हम लोगों ने खोल लिया। देयर इज़ अ चॉकलेट बॉक्स फॉर बच्चों के लिए और ये है एक मग सेट फॉर अस। ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और कार तो मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब दिल्ली में रहते थे बैक इन 2006 की बात है, तो तभी से शर्मा जी और मेरा ड्रीम था कि कभी हम कार लेंगे ना तो होंडा सिटी लेंगे। बट उतना कभी बजट नहीं हुआ, कभी हालात नहीं हुए, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले आ गई और कभी यू नो जिम्मेदारियाँ, बजट, मनी कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑल, तो सबके करते करते अब फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं अपने लिए ये करता ही हूँ। तो इट वाज काइंड ऑफ आर ड्रीम कार उस वक्त से अभी तक।
बहुत सारी ये देखी भी, बहुत सारी हम लोग कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे थे कि शायद ये वाला लेंगे, ये वाला देख लेते, वो वाला देख लेते हैं, बट फर्स्ट चॉइस हमेशा से दिल में कहीं था वो ही हमेशा से कि हम लोग ये करेंगे। तो इट वॉज सच अ नाइस डे। अभी दोपहर हो गई है, 2 बज चुके हैं और मैं अभी जाके बस चेंज करूँगी। एंड बाय द वे ये वाला सूट, अगर बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आपने जो पहना है उसका लिंक दे दीजिए, तो ये मैंने बीबा से लिया था, बीबा का एक शोरूम जैसा है वहाँ से मैंने लिया था 3-4 साल पहले, और ये बहुत अच्छा है। उनके डिस्प्ले में आता था पहले ये वाला सूट, तो बहुत अच्छा है ये। और कलर आज के लिए काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे शर्मा जी ने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ पहनना जो येलो हो वाइट हो, मेरे पास कोइंसिडेंटली ये सूट था जो येलो वाइट दोनों ही है, उन्होंने भी येलो शर्ट पहना हुआ है। तो इट वॉज सच अ नाइस डे, सो फार सो गुड। देखिए मैंने है ना ये बेसिकली शर्मा जी के चप्पल पहने हुए हैं, ये वो डॉक्टर स्लीपर्स आते हैं ना वो वाले हैं, एकदम ही स्मूथ। एक्चुअली मेरे पैर में ना छाला हो गया है, ये वाले जो मेरे चप्पल है ना ये थोड़ी देर पहने तो उसके लिए एकदम ही कंफर्टेबल है, बट इसे पहन के मैंने वॉक किया, मेरा जो स्किन है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो मुझे यहाँ पे पूरा ये छाला हो गया है, छिल गया है। ऑल्सो इस वाले पैर में भी मुझे छाला होकर छिल गया है, एक ही जगह पे दोनों पैरों में, तो इसलिए मैं वो नहीं पहन रही हूँ। मेरे पास और पेयर्स नहीं है, बाकी 2 हील्स हैं, वो हील्स नहीं पहनना चाह रही मैं, जिसलिए आज मैं हस्बैंड के चप्पल पहन के जा रही हूँ। एंड दीज आर सो कंफर्टेबल। हम लोग मम्मी के पास पहुँचे तो जाकर पता चला उन्होंने तो बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी थी हमारे आने से पहले ही, शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और मतलब दोपहर से वो सोच रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम लोग आएँ, बट दोपहर में तो नहीं आना हुआ। फिर शाम में हम लोग मिले तो मतलब चाय तो बनेगी वो तो मालूम है, डिनर हम लोग बनाने वाले ही हैं वो भी पता है, बट उन्होंने अलग से हमारे लिए पानी पूरी की तैयारी भी कर रखी थी। उन्होंने पहले से ही जो पानी बनाते हैं ना खट्टा वाला, वो भी उसके लिए चटनी भी बना रखा था, पानी पूरी भी खरीद कर ला के रखे हुए थे, आलू फटाफट उन्होंने बॉईल किए, सारी चीज़ें अरेंज कर दी। और बहुत अच्छा पानी बनाती हैं मम्मी, एक तो ये जो पानी पूरी का खट्टा वाला पानी रहता है ना वो भी, और अगर आपके यहाँ पे कांजी खाए जाते हैं ना कांजी बड़े, तो उसकी कांजी भी मम्मी बहुत ही अच्छी बनाती हैं। पानी पूरी नहीं मेरा वाला ये है, थैंक यू। आराम से तोड़ेंगे, मैं खिलाता हूँ, चिंगम निकाल, अरे लो ना। देवी जी चलो, थोड़ा सा बचा, तो बचा।
वेरी गुड। अरे वाह यार क्या मस्त पूड़िया है। कैसा बन रहा है भाई खाना? बहुत बढ़िया मस्त एकदम ना। पहले पानी पूरी फिर मजेदार थाली। अचार नहीं इसने भी बनाया प्याज और वो अचार लाऊं? रुको उसमें रखा है फ्रिज में। सोसाइटी में आज भी पानी नहीं था, उसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली कल हम लोग लेकर आए थे कार, फिर लंच किया था मम्मी पापा के साथ, फिर घर पे वापस आ गए थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया था, पर पानी तब भी नहीं था। मतलब कैसा हो रहा है ना, सभी लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं तो जैसे भी होता है थोड़ा बहुत पानी चढ़ा देते हैं जैसे तैसे सब लोग एक दूसरे को हेल्प करके, बट इतने सारी फैमिलीज़ हैं तो वो तुरंत ही कंज्यूम भी हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है कि पानी चढ़ता है फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, तो फिर पानी नहीं था, फिर वापस से डिनर का प्रॉब्लम। तो कल भी जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज किया, मैंने फिर कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और फिर ये जो आधा दिन का व्लॉग है ये आज का है मंडे का, और सुबह से आज भी पानी नहीं था। तो सुबह सुबह भी जैसे तैसे हम लोगों ने बच्चों को भेजा, उसके बाद तो बिल्कुल ही पानी नहीं था। और आज सर्विस के लिए बुलाया था हम लोगों ने मैकेनिक को, वो मोटर ये पूरा नया खरीद दिया है करके, तो जो सब लोग को ये सर्कुलेट कर दिया था मैसेज कि आज तो शाम में ही पानी आएगा। तो शर्मा जी ने पापा से बात कर ली थी, जिन्हें पापा को बोल दिया था कि हमारे यहाँ ये इशू हो रहा है, तो म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड किया है कि ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं सभी लोग। तो उसके बाद फिर मम्मी दोपहर से हमारा वेट कर रही थी, उन्होंने दोपहर में हम लोग के लिए खाना बनाया था कि बच्चे लोग आएंगे, पर हम लोग नहीं गए क्योंकि सानवी खुशी को स्कूल उनका बस आता है ना, हम लोगों ने सोचा कि शाम में चले जाते हैं साथ में डिनर का प्रोग्राम कर लेंगे। तो फिर हम लोग फिर शाम में गए, तब तक भी पानी नहीं था, थोड़े से चने सो किए थे। कल सुबह बच्चों के टिफिन में मैं उससे कुछ बनाने वाली हूँ, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए मम्मी पापा के घर, वहीं पर हम लोगों ने फिर शाम का चाय पिया, बातें बातें की, साथ में डिनर बनाया, खाया, मस्त मज़े किए। बातें करते करते काफ़ी लेट हो गया, अभी पूरे 11 बज रहे हैं, 11:01, और अभी यहाँ अगर अभी पानी है क्योंकि उन्होंने बोला ही था लेट इवनिंग तक ठीक होगा, तो अभी लकीली पानी है। हमारे भी बर्तन भरे हुए थे, आज तो कुछ काम हुआ ही नहीं ना, तो मैंने अभी बर्तन धोए हैं, जो चने हैं वो बॉयल कर दिए हैं, उसको ठंडा कर लूँगी फ्रिज के अंदर रख के मैं फिर सोने जाऊँगी। कहने के लिए मैंने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन मेरे को इतनी सिरदर्दी उन दिनों कभी भी नहीं होती जब मैं बहुत ज़्यादा ही काम करती हूँ, जब उन दिनों हो जाते जब मेरा काम टाइम से कंप्लीट नहीं होता। आई एम नॉट लाइक वर्कहोलिक टाइप नहीं हूँ मैं, बट कुछ एक चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए, उनका एक निर्धारित टाइम होता है, अगर वो तब नहीं होती ना तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, एक पर्टिकुलर लेवल की हाइजीन नहीं हो, लाइक आई कैन नॉट इलेबरेट दिस इन वर्ड। लेकिन अगर कोई मुझे बोले इतने बर्तन आप साफ कर लो, तो वो साफ़ करना मेरे लिए उतना ज़्यादा हेडेक का विषय नहीं है, उतना ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं है, जितना मेरे बर्तन साफ नहीं धुले मुझे उस चीज़ से ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो चलो फाइनली आज ये डे एंड होते होते भी ये जो इतने दिन से प्रॉब्लम चली आ रही है ये भी एंड हो गई। कल सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे और वो है उनका लास्ट फुल डे वर्किंग, उसके बाद वेडनेसडे से उन लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, तो तब मैं शायद आप लोगों के साथ टिफ़िन आइडियाज़ नहीं शेयर कर पाऊँगी बिकॉज़ एग्ज़ाम्स में उतना भी कुछ टिफ़िन वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है।
एंड आप लोगों के बच्चों के एग्जाम्स भी अगर शुरू होने वाले हैं तो मेरी तरफ से मॉमीज आपको भी और आपके बच्चों को भी ऑल द वेरी बेस्ट। और बस इसी के साथ आगे मैं इस वीडियो के एंड पर उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ज्वाइन आर दिस स्मॉल क्यूट पॉजिटिव लिटिल यूट्यूब फैमिली। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।